हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लाल मिर्च की चटनी। बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 मिनट में ये बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन ले लेते हैं या फिर कोई भी आप कढ़ाई ले लीजिए। उसके अंदर आप डालिए 2 छोटी चम्मच सरसों का ऑयल, और ऑयल के गर्म होने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे जीरा, और जीरा भी हमारा अच्छे से ब्राउन होने देना है। तो लहसुन की कलियाँ छोटी छोटी, तो लहसुन की कलियाँ हमने थोड़ी ज़्यादा है क्वांटिटी में ली है। ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने कट कर लिया है, उसको भी लहसुन के साथ ही डाल देंगे और इन दोनों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये बहुत ही चटपटी चटनी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, अच्छी भी लगती है बहुत ही ज़्यादा। तो जब तक हमारे लहसुन और अदरक अच्छे से फ्राई होते हैं तब तक हम लाल मिर्ची का घोल बना लेते हैं। तो ये मैंने 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची ली है और बस नमक लेना है, दोनों को पानी के अंदर घोल के और फ्राई पैन के अंदर डाल देना है, मतलब कि ऑयल के साथ मिक्स कर देना है अच्छे से इसको। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है, बिल्कुल बहुत टेस्टी बनती है ये चटनी। और इसको बनाना आप देख ही पा रहे होंगे कितना सरल है। तो इसको हमें पकने देना है लगभग 2 मिनट तक, हाई फ्लेम पर पकने देना है। तो 2 मिनट के बाद में गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़े से हरे धनिए की पत्तियाँ। ये देखिए मैंने कुछ हरे धनिए की पत्तियाँ डाल दी हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस हमारी चटनी बन के हो चुकी है रेडी, बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में बनाई है और ये राजस्थान की प्रसिद्ध चटनी होती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इस चटनी को बनाकर, बहुत टेस्टी लगेगी सबको। और इसको बनाना तो बिल्कुल भी आसान है, सब बच्चे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए आप ज़रूर ट्राई करना, मैंने इसको अलग बर्तन में निकाल लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।